हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ये जो क्वेश्चन नंबर टू है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ना। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लगता है, लेकिन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जो हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं मिरर के केस में, कर्व मिरर के केस में, उस डायग्राम को भी अगर आप याद करेंगे तो उससे भी इसका सिंपल सा आंसर निकल सकता है ना। क्वेश्चन को देखते हैं, देखेंगे एक स्फीयर बनाया गया है और उस स्फीयर में आपको देखेंगे इधर एक छोटा सा पोर्शन है जिसको कि सिल्वर कर दिया गया है राइट साइड में, यानी कि जो आउटर साइड है उसको सिल्वर कर दिया गया है। तो मतलब है कि यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर दिखाने की कोशिश किया गया है। तो ये जो है एक कॉनकेव मिरर है जिसका जो कॉन्वेक्स साइड है उसको सिल्वर किया गया है और कॉनकेव साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग फेस है। अब देखेंगे कि इसका जो डायमीटर है वो देखने में लग रहा है 16 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर इस एंड को पोल मान लिया जाए, है ना, तो ये एंड जो है दूसरा डायमेट्रिकल अपोजिट साइड में पड़ेगा, तो 16 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी 8 जो है ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और उसका आधा जो है ये फोकस होना चाहिए, ये फोकस हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, लंबा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है स्फेरिकल मिरर, जो कि कौन का मिरर है फिगर में देखने से पता चलता है, ऑब्टेंड एज शोन इन द फिगर फ्रॉम अ हॉलो ग्लास स्फेयर। एक हॉलो ग्लास स्फेयर है जिसके आउटर साइड को सिल्वर कर दिया गया है, यानी जो इनर जो साइड है, जो कॉनकेव साइड है, वो रिफ्लेक्टिंग फेस है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसमें कहा गया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशनड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट विल बी द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फिगर ड्रॉन एज स्कीमेटिक नॉट टू स्केल। मतलब स्केल के हिसाब से नहीं बनाया गया है, लेकिन चूंकि उस पर डायग्राम में आपको देखेंगे कि जो लेंथ है वो लिखा गया है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इसका डायमीटर 16 सेंटीमीटर का होगा और रेडियस 8 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस इन्फिनिटी के बीच में है, तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, उसका इमेज बनना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इस केस में इन्वर्टेड इमेज बनता है, जैसा कि हम लोग रे डायग्राम में पढ़ते हैं, इन्वर्टेड बनता है, छोटा होता है ना। तो एक चीज तो हो गया कि ये इन्वर्टेड होगा, फिर स्मॉल कह सकते हैं या डिमिनिश्ड कह सकते हैं, साइज जो है इसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, सी और एफ के बीच में बनेगा। अब देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या दिया हुआ है। देखेंगे ये रियल ही बनेगा, रियल इसलिए बनेगा कि मिरर के सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। पीछे बनता तो वर्चुअल होता, क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है तो यहाँ पर लाइट रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर सकती है ना। रे डायग्राम ड्रॉ करके भी हम लोग देख सकते हैं, है ना, तो ये रियल भी होगा, ये आपको वैसे याद होगा। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। एक तो इन्वर्टेड होना चाहिए, है ना, ये है फोर्थ वाला ऑप्शन। देखें, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और अनमैग्निफाइड मतलब डिमिनिश्ड होना चाहिए। इसको आप चाहें तो एक रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। रे डायग्राम जैसे सपोज ये जो है अपना, ये कॉनकेव मिरर हो गया, है ना, ये मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हो, है ना। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है ना ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करता है। ठीक, दूसरा डायग्राम, दूसरा जो लाइट रे है उसको कंसीडर करते हैं कि अगर कोई लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, है ना, ऐसा माना जा सकता है कि ये जो मिरर है वो पूरा एक्सटेंडेड है इधर तक है,
तो वो लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के वापस अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर। तो ये जो है इमेज बन गया। अगर कोई चाहे तो एक लाइट रे पोल पर इंसिडेंट करा सकता है, वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये यहीं पर आकर के मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है वो ये ऑब्जेक्ट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका इमेज हो गया ये ओ डैश। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इमेज हो गया। तो देख सकते हैं कि जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है और साथ में डिमिनिश्ड भी होगा, छोटा भी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है और यही हमें जो है लिखना चाहिए।